दोस्तों आज मेरे पास है ये डब्बा नहीं बॉस ये सुपर पावर सीपीयू कूलर यस भाई हिला के रख देंगे आज तो यार एकदम हीट को भगाएंगे मार के आई एम टोटली एक्साइटेड बिकॉज भाई इसमें हमें आठ जीबी मिलता है तो लेट्स गो ऑन द फ्लो ओके okay, दोस्तों सीपीयू सीपी यू कलर इन आज इसको इंस्टॉल करेंगे प्रॉपरली सब कुछ चेक करने वाले हैं पर उससे पहले सबसे पहले तो हमें यार ये चीज समझना पड़ेगा ये काम क्या कर रहा है बॉस तो देखो यार आपका जो सीपीयू है ना वो गर्म होता है जब इतनी सारी आप चीजें ओवरलोड करते हो तो वहाँ हीट बढ़ जाती है और हाँ अगर हीट सही से आप डेसिपेट नहीं करा पाते हो तो सिंपल सा मतलब है भाई आपका सीपीयू यार और ये सब चीजें जो होती है ना इसका भी एक कारण हो सकता है कि आप इतनी अच्छी कूलिंग नहीं दे रहे हो अब देखो इसके लिए मॉडर्न बहुत सारे मेथड है वन ऑफ देम इज ये 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 देखो ये एक तरीके का है 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 सीपीयू कूलर ही अब ये आप ले सकते हो Inbox जो मिलता है, उसमें ऊपर में फैन होता है, इसके अंदर थोड़ा साइड में दे दिया है स्टाइल के लिए भी थोड़ा सा बाकी इनकी प्राइसिंग भाई वन थाउजेंड से स्टार्ट हो जाती है ये शायद टू थाउजेंड वाला मॉडल है और इसके एडवांटेज पूछोगे तो ये ये बेटर थोड़ी सी और कूलिंग हो जाती है वो तो आज हमें पता चल जाएगा क्या टेम्परेचर कितना घटा पाता है सेकेंडरी इसमें आपको भाई आठ और ये सब चीजें बहुत एक्साइटेड लेवल

सेट के अलावा भाई हमें बॉक्स में ऐसे स्क्रू मिलते हैं और उनसे इसको टाई अप कर देता हूँ फटाफट एक चीज का ध्यान देना भाई हमें यार ये जो स्क्रू है ये ऊपर के साइड होंगे ताकि ये स्क्रू अप हो पाए यहाँ से इजी प्रोसेस है भाई आराम से कर सकते हैं बस दोस्तों ये चीजें सेट हो गई है अब ये चीज है ना ये आप निकाल देना इस पर लिखा भी है इंस्टॉलेशन से पहले हटा देने का एक चीज और मैं आपको यार सुझाव दूंगा की फैन को आप बाद में इंस्टॉल करना मैंने आपको इंस्टॉलेशन तो बता ही दिया क्योंकि यार वर्णा स्क्रू अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अब दोस्तों टाइम टू ओपन अपना पहले वाला जो ये फ़ैन है इसको हटाते हैं अच्छा हाँ आपने यार सी को ज़रूर चला लेना पहले प्रोसेसर को वरना ये थर्मल पेस्ट के कारण ना सही से फैन निकलता नहीं है इस पाई बटन पर आपको वीडियो प्रॉपर मिलेगी उसको ज़रूर देखना है स्क्रू तो मैंने ओपन कर लिया भाई साहब अब ये तार को बस यहाँ से सीपीयू वाले को हटा देना है और इसको कभी भी डायरेक्टली नहीं खींचना है आपको थोड़ा ऐसे रोटेट करके वरना प्रोसेसर भी बाहर आ सकता है तो ये मैंने ऐसे करके उठा दिया और ये देखिए सर ये हालात है अब इसको पहले थोड़ा साफ कर दो एक बार भाई आपने सब कुछ क्लीन कर लिया फिर थर्मल पर जरूर अप्लाई कर दीजिएगा सर क्योंकि ये कूल कूल अच्छे से हो सके भाई साहब जी ठीक है मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कर दिया पहले से भी लगा हुआ था अब न्यू वाले जो हीट सिंक है अपनी उसको मैं ले आया हूँ डायरेक्टली फैन भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि और इजी हो जाए भाई इंस्टॉलेशन के लिए बाकी एक चीज आप जरूर नोटिस ना ये ऐसे पॉइंट आपको यार जो मदरबोर्ड के साथ अपनी बैकशील्ड या बैक प्लेट मिलती है ना उसके अंदर ही होते हैं दो तार बेसिकली एक तो फैन की तार है जो आपकी फैन वाले में ही जाएगी जैसे पहले थी और सेकेंडरी एक आठ जीबी कनेक्टर वनेक्टर वाली तार होती है ये अगर आपके मदर बोर्ड में आठ जीबी का सॉकेट है तो डायरेक्टली इसको वहां प्लग करो और वरना आपको कंट्रोलर यहाँ से आपको मिल जाता है ओके दोस्तों एवरीथिंग इज नाउ सेट और अगर अब मैं इसको यार फर्स्ट मूवमेंट पे चलाऊं तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ पीसी एंड हेयर यू कैन सी लाइट आ जा 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 आ जा, आ जा, आने चाहिए अभी तो अभी तक नहीं आई है वैसे आपको बताऊँ पर किस तरफ आ रही है ये वैसे आर हाँ, ये बी है बहुत तगड़े तरीके से मतलब यार इसको पोर्टली हम कंट्रोल कर सकते कितना फ्लो में चाहिए कितना चाहिए वो भाई मदर का ड्राइवर डाल के या फिर आपके पास कंट्रोलर है तो वहां से हो जाएगा आर वाला पूरा फ्यूजन डाल सकते हैं तो दोस्तों इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गई है अब इसको चेक करते हैं भाई ये कुछ वॉर्म भी कर रहा है या बस ऐसे ही नाम के लिए बैठा हुआ है सबसे पहले यहाँ ऑन बॉक्स जो प्रोसेसर के साथ हमें फैन मिलता है क्या कुछ चल रहा है और यहाँ देख सकते हो, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला है यहां देख सकते हो भाई, कुछ भी अभी लोड नहीं है जीरो लोड है और टेम्परेचर थर्टी के आसपास का हमें मिल रहा है अब मैं क्या करूंगा मैंने सीपीयू जेड ओपन करा इसमें बेंच में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा बेंच सीपीयू इससे क्या होगा भाई ये फुलिसियंसी पे चला देगा हमारे प्रोसेसर को और राइट नाउ देख सकते हो एटी वन एटी चला गया और टेम्परेचर देखते हैं भाई कहां तक पहुंचता है लाइक एटी फाइव के लोड पर चल रहा है सेवेंटी टू और मैंने अगेन भाई करा तो ये देखो यार टेम्परेचर अपना 69 71 के आसपास पहुंच गया 72 भी वैसे 100 तो बहुत कदर हो जाएगा भाई उस पर तो हम कुछ उबाल सकते हैं पर हाँ 74 तक हमें मिल रहा है बाय डिफॉल्ट अभी मैं एक और बार करता आप देख सकते हो भाई 80 के आसपास मतलब 79 तो 80 भी आ गया लो सर एट्टी के आसपास हमारा टेम्परेचर जा रहा है अब यही चीज भाई अब उसमें चेक कर दोस्तों इसका टेम्परेचर आपने नोट कर लिया ना अब इसकी बात है बॉस इसमें देखते हैं कितना चाहता है वैसे मेरे को यार लग रहा है खुद से कि ज्यादा फर्क नहीं होगा बट हाँ लेट सी यार क्या होता है ठीक है दोस्तों राइट नो अपना ये वाला सीपी फैन चल चुका है और अगर अभी आपको आइडियल दिखाऊं तो आइडियल भी देखो यहाँ पे लोड नहीं है और टेम्परेचर भी हमें आइडियल पे भाई थर्टी के आसपास ही मिल रहा है अब मैं इसको यार थोड़ा बेंच करता हूं यहाँ सीपी जेड ओपन कर लिया है बेंच पे जाऊंगा और सिंपली यहाँ पे मेरे को आपको पता ही है स्ट्रेस करेंगे हम लोग यार सीपी को अपने तो ये देखो यार ऊपर में आप देख ही सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है 58 तक पहुंच गया और इस लेवल में अभी देखो इसको होने देते हैं थोड़ा तो हमें आइडिया पता चल जाएगा 66 के आसपास तो अभी तक है वहाँ पे अपना कितना 80 के आसपास जा रहा था मैक्सिमम जो मैंने देखा था 80 के आसपास गया था वैसे इसने 68 बना रखा है अभी तक उम्मीद मैं कर रहा हूँ भाई इससे 10 कुछ तो एट सौ परसेंट पे भाई तो दो, ओके दोस्तों एक ओवरव्यू पता चल गया वहाँ पे हम लोग 80 के आसपास थे और यहाँ सत्तर पे और वो भी हंड्रेड अभी यूजर्स चला गया था तब हुआ था तो हाँ बोल सकते हो बिल्कुल भाई गर्म कर रहा है बॉस अगर इसमें मैं दो फ़ैन लगा दूँ मतलब अगर पीछे साइड भी एक और लगा दू ना इसके तो और ही औसम हो जाएगा सीन पूरे का पूरा तो दोस्तों ये कंप्लीटली सीन था आप देखो जो भी फर्क है ना वो थोड़ा बहुत वो आपको यार एक्सपीरियंस टाइम के साथ होगा वैसे हाँ ओवरलोड अगर आप ओवर क्लॉकिंग कर रहे हो प्रोसेसर के साथ और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तब के लिए बिल्कुल आपको प्रेफरेबल रहता है तो एक्सटर्नल और बेटर फैन लगाओ लाइक इस टाइप के और हाँ, लुक तो बढ़ी जाता है वो भी एक एडवांटेज है बाकी हाँ अगर आप इसको खरीदना चाहते हो आपको अच्छा लगाओ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तीन चार दे दूंगा ऐसे ही सीब्यू कूलर आप उसे इंस्टॉल करके लुक बढ़ा सकते हो और थोड़ी बहुत यार परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है बाकी चलो यार इस वीडियो में इतना ही अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बनता है शेयर कर देना यार मिलता नेक्स्ट में तब तक तो के लिए बाय जय हिंद जय भारत वंदे मातरम